महाशय। दोस्तों, मेष राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं मेष राशि वाले जातकों के लिए साल 2024 में 15 मई से लेकर 31 मई तक का समय किस प्रकार जाने वाला है। मई महीने की इन 15 दिनों की समयावधि में आपके राशि के ऊपर मौजूद ग्रही स्थितियों के माध्यम से किस प्रकार की संभावना मेष राशि वाले जातकों के जीवन में बनने वाली है, किन किन क्षेत्रों में आपको सकारात्मकता और बड़ी खुशखबरी देखने के लिए मिलेगी, और कहां पर मेष राशि वाले जातकों को सावधानी पूर्वक चलने की आवश्यकता रहने वाली है। यह राशिफल मेष राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपके चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के दौरान मेष राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए सभी क्षेत्रों के बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं, जैसे आपका करियर और व्यापारिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ, और अंत में हम आपको धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं। मेष राशि वाले जातकों के जीवन में वर्तमान में बहुत सारी नकारात्मकता और परेशानी चल रही है। वीडियो के लास्ट में दो विशेष सलाह की जानकारी भी हम आपको देने वाले हैं। सबसे पहले हम आपको जानकारी दे रहे हैं 15 मई से लेकर 31 मई के बीच में आपके राशि के ऊपर ग्रही स्थिति किस प्रकार की बनी हुई रहने वाली है। मेष राशि वाले जातकों, जो आपके राशि के स्वामी बनते हैं, मंगल जो आपकी पूरी राशि को नियंत्रित रखने का काम करते हैं, वो आपके द्वादश भाव पर राहु के साथ मौजूद रहेंगे और इन 15 दिनों में अंगारक योग भी बनाने वाले हैं। शनिदेव आपकी राशि के 11th हाउस यानी लाभ भाव पर मूल त्रिकोणस्थ होकर गोचर करने वाले हैं। बुधदेव आपकी राशि के प्रथम भाव यानी आपके लगन भाव में गोचर करने वाले हैं और कुंडली के प्रथम भाव से आचार विचार व्यवहार व्यक्तित्व के बारे में विचार किया जाता है। सूर्यदेव 15 मई को ही अपना परिवर्तन करेंगे और आपके द्वितीय भाव यानी वृषभ राशि में जाने वाले हैं और ये 31 मई तक आपके द्वितीय भाव यानी वृषभ राशि में गुरु, सूर्य और शुक्र, ये तीन प्लैनेट युति बनाकर गोचर करने वाले हैं। उसके साथ साथ केतु महाराज आपके राशि के 6th हाउस यानी कन्या राशि में मौजूद होकर गोचर करने वाले हैं। इस प्रकार की ग्रही स्थितियां मेष राशि वाले जातकों के जीवन में बन रही है, राशि के ऊपर बनने वाली है। अब आइए हम आपको बताते हैं कि आपके जीवन में किन किन क्षेत्रों में आपको शुभता मिलने वाली है और कहां पर आपको जीवन में सावधानी पूर्वक चलना है। सबसे पहले आपको जानकारी दे रहे हैं करियर के दृष्टिकोण से समय आपके जीवन में कैसा जाने वाला है। मेष राशि वाले जातकों कर्म भाव के स्वामी आपकी राशि के 11th हाउस पर प्रभावी रहेंगे। वहीं कर्म भाव पर सूर्यदेव और देवगुरु बृहस्पति का शुभ प्रभाव रहने वाला है। मेष राशि वाले जातकों, इस समयावधि में कार्य व्यवसाय के सिलसिले में नए नए अवसर आपको आसानी से मिलने वाला है। यदि आप मन में सकारात्मक विचारधारा बनाकर चलते हैं और सही दिशा निर्देश के साथ काम करते हैं तो व्यापार में आपको प्रगति के अवसर और व्यापार में नई दिशा आपको मिलने वाली है। मेष राशि वाले जातकों को इस समयावधि में विरोधियों से सावधान रहने की आवश्यकता भी रहने वाली है और राशि के स्वामी राहु के साथ प्रभावी हैं, तो आप अपने व्यर्थ के क्रोध को कर्म स्थल पर व्यक्त करने से बचें, अन्यथा क्रोध के वशीभूत होकर आप अपने काम को भी बिगाड़ सकते हैं। इस समयावधि में मेष राशि वाले जातकों के जीवन में चूंकि भाग्य भाव से ग्रहों का संबंध शुभ रहने वाला है, तो इस समयावधि में ऐसे जातक जिनके जीवन में कोई कार्य व्यवसाय नहीं है, यदि आप किसी नवीन कार्य व्यवसाय की तलाश कर रहे हैं, आपको नवीन कार्य व्यवसाय के अवसर भी मिल सकता है।
आर्थिक दृष्टिकोण से यदि आपको जानकारी दिया जाए, 15 तारीख से लेकर 31 मई के बीच में आपके द्वितीय भाव के स्वामी आपके द्वितीय भाव पर ही विराजित रहने वाले हैं, और जो आपके लाभ भाव के स्वामी हैं वो आपके लाभ भाव पर विराजित रहने वाले हैं। तो आर्थिक तौर पर यदि आपके जीवन में बड़े उतार चढ़ाव लगातार आपको पिछले समय से मिल रहा है और आपके जीवन में धन से जुड़ी हुई चुनौतियां लगातार मिल रही है, तो द्वितीय भाव पर शुक्र की मौजूदगी आपके जीवन में धन प्राप्ति के नए स्रोतों का निर्माण करने वाली है, व्यापार से धनार्जन करने में सफल रहने वाले हैं तथा इस समयावधि में मेष राशि वाले जातकों के जीवन में धन की वृद्धि का योग भी बनने वाला है। कुंडली के द्वादश भाव यानी व्यय भाव पर राहु और मंगल के द्वारा अंगारक दोष बनने वाला है। किसी तरह से अनियोजित निवेश से आपको बचना चाहिए। शेयर सट्टा लॉटरी इन सभी चीजों में निवेश करना चाहते हैं, इन सभी चीजों में धन का निवेश करते समय सावधानी बनाने की आवश्यकता रहने वाली है। इन 15 दिनों में पारिवारिक तौर पर यदि आपको जानकारी दिया जाए, देखिए 15 मई से सूर्यदेव वृषभ राशि में प्रवेश कर चुके हैं और इस समयावधि में सूर्य की जो आपके वाणी भाव पर मौजूदगी है, सूर्य की और गुरु की, इसकी वजह से यहां पर आपके वाणी में उग्रता देखने के लिए जरूर मिलेगी। और वर्तमान में राशि के स्वामी पीड़ित अवस्था में है तो पारिवारिक जीवन में आपको इस समयावधि में संभल कर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। छोटी मोटी बातों को लेकर व्यर्थ के तनाव की स्थिति को परिवार में निर्मित करने से बचें। मेष राशि वाले जातकों, यदि आप परिवार से जुड़ी हुई जिम्मेदारियों को बखूबी निभाने का प्रयास करते हैं तो आपके जीवन में इस समयावधि में शुभता आपको ज्यादा मिलने वाली है। इस महीने आपके जीवन में सहयोग की भावना बनने वाली है। पहल करते हैं तो कुटुंबी जनों का सहयोग आपको मिलेगा और मान सम्मान की स्थिति भी आपको देखने के लिए मिल सकती है। एजुकेशन सेक्टर यानी शिक्षा के मामले में यदि आपको जानकारी दिया जाए, चूंकि मेष राशि वाले जातकों के जो शिक्षा भाव के स्वामी बनते हैं वो सूर्य माने जाते हैं, जो आपके द्वितीय भाव पर देव गुरु के साथ गुरु आदित्य योग बनने वाला है। गुरुदेव बृहस्पति और सूर्य की मौजूदगी आपके द्वितीय भाव पर बनने जा रही है। जिन जातकों का जुड़ाव वर्तमान में एजुकेशन सेक्टर में है, शिक्षा के क्षेत्र में जुड़े हुए जातकों के मन में उत्साह की भावना का विकास होने वाला है। परीक्षा प्रतियोगिता में सफलता के अवसर आपको इस समयावधि में देखने के लिए मिलने वाला है। उसके साथ साथ मेष राशि वाले जातकों, यदि आपको प्रेम जीवन और वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से जानकारी दिया जाए, देखिए प्रेम जीवन के लिहाज से जो समय आपके लिए है उसमें आपको मिला जुला प्रभाव मिलने वाला है। शनिदेव की सप्तम दृष्टि जो है वो आपके पंचम भाव यानी प्रेम भाव को प्रभावित करने वाली है, तो इस समयावधि में रिश्तों के मामले में यदि आप जुड़कर चल रहे हैं तो आपको इस समयावधि में क्रोध पूर्वक स्थितियों को निर्मित करने से बचने की प्रबल आवश्यकता रहने वाली है तथा वैवाहिक जीवन के मामले में यदि मेष राशि वाले जातकों को जानकारी दिया जाए, मेष राशि वाले जातकों जो आपके सप्तम भाव के स्वामी बनते हैं शुक्रदेव, बहुत ही बेहतर अवस्था में विराजित हैं, तो इस समयावधि में वैवाहिक प्रगाढ़ता और वैवाहिक जीवन में खुशहाली मेष राशि वाले जातकों को देखने के लिए मिल सकती है। मेष राशि वाले जातकों को रिश्तों के मामले में एक खास बात का ध्यान ये रखकर चलना है, भूतकाल यानी पुराने समय की बातों को लेकर व्यर्थ के रिश्तों में आपको उग्रता निर्मित करने से बचने की आवश्यकता रहने वाली है। पुरानी बातों को लेकर यदि आप पुरानी नकारात्मक बातों को लेकर यदि आप वैवाहिक जीवन में पार्टनर के ऊपर हावी होने का प्रयास करते हैं तो इस समयावधि में आपको रिश्तों में असफलता और वैवाहिक जीवन में अशांति भी देखने के लिए मिल सकती है। मेष राशि वाले जातकों के जीवन में वर्तमान में गुरु की पोजिशन और सूर्य की अवस्था संतान के दृष्टिकोण से शुभ प्रभाव आपको देने जा रही है।
मेष राशि वाले जातकों के संतान की उन्नति और प्रगति का प्रबल योग इस समयावधि में बनने वाला है। स्वास्थ्य के मामले में यदि आपको जानकारी दिया जाए, 15 मई से लेकर 31 मई के बीच में राशि के स्वामी मंगलदेव राहु के साथ आपकी राशि के द्वादश भाव पर गोचर करने वाले हैं। इसकी वजह से आपको नेत्रों में समस्या, एलर्जी की समस्या, शरीर में गर्मी बढ़ना तथा मेष राशि वाले जातकों को पेट से जुड़ी हुई बीमारी भी देखने के लिए मिल सकती है। वर्तमान में राहु और मंगल का जो दोष है, जो अंगारक योग है, वो आपके द्वादश भाव पर बनने वाला है। वाहन चलाते समय भी मेष राशि वाले जातकों को सावधानी पूर्वक चलने की आवश्यकता रहने वाली है। अगर आपके लिए धार्मिक उपायों की जानकारी दिया जाए, मेष राशि वाले जातकों को धार्मिक उपाय बताने से पूर्व कुछ विशेष सलाह की जानकारी हम आपको देने वाले हैं। तो कि मेष राशि वाले जातकों को सबसे पहले इस समयावधि में नकारात्मक शब्द शैली का प्रयोग करने से बचने की आवश्यकता रहने वाली है। नपे तुले शब्दों का ज्यादा प्रयोग आपको इस समयावधि में करना चाहिए। और दूसरा, मेष राशि वाले जातकों, आपके अंदर असीमित क्षमताएं मौजूद हैं। किसी भी प्रकार के कार्य को या किसी भी प्रकार की योजनाओं को यदि आप अपने हाथ में लेते हैं, उसको आप बखूबी पूरा कर सकते हैं। लेकिन मेष राशि वाले जातकों को इस समयावधि में इस बात का ध्यान रखकर चलना है कि आपको रूपरेखा जरूर बनानी चाहिए। सही दिशा निर्देश के साथ ही आपको काम करने की आवश्यकता रहने वाली है। तो यह समय आपके जीवन में शुभ रहने वाला है। अगर आपको धार्मिक उपायों की जानकारी दिया जाए, मेष राशि वाले जातकों को सुंदरकांड और हनुमान चालीसा का पाठ करना शुभ रहने वाला है। रोजाना यदि आप ओम हनु हनुमते नमः इस मंत्र का यदि आप जप करते हैं, स्थिति आपके जीवन में शुभ बनने वाली है। दूसरा उपाय, बेजुबान जानवरों के प्रति दया का भाव जरूर रखें। यथा उचित गायों के लिए यदि आप हरे चारे का प्रबंध करते हैं, स्थिति आपके जीवन में शुभ बनने वाली है। उम्मीद है ये जानकारी मेष राशि वाले जातकों को बेहतर लगे। आने वाले समय में यदि आप अन्य वीडियोज को देखना चाहते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओम नमः शिवाय।